बिहार में पंचायत चुनाव मार्च से अप्रैल के बीच कभी भी हो सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में है। एक ओर इस चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार हो रही है, तो वहीं 29 सिंबल भी मुखिया के लिए तय किए गए हैं। इन सब से आगे चुनाव आयोग ईमानदार चुनाव कराने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया है। चुनाव आयोग ने कई विभागों को पत्र लिखकर ऐसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर CO SDM को हटाने के लिए कहा है जो 3 साल से एक ही ब्लॉक में काम कर रहे हैं। साथ ही आयोग ने उन अधिकारियों को भी हटाने का फरमान जारी किया है जिन पर भ्रष्टाचार या अपने काम में लापरवाही बरतने का आरोप है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। इसके साथ ही इस पत्र में उन अधिकारियों की जानकारी भी विभाग से मांगी गई है जिन पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने या काम ठीक से नहीं करने के आरोप पहले से रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर भी सख्ती दिखाई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी BDO को यह लिखित प्रमाण देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है। आपको ये भी बता दें कि मतदाता सूची सुधार के बाद 19 फरवरी को प्रकाशित होगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया पद से लेकर वार्ड सदस्यों तक के लिए सिंबल निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया के लिए 29 सिंबल अलॉट किए गए हैं, तो वहीं वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों के लिए 5 सिंबल निर्धारित किए गए हैं। ग्राम कचहरी के लिए 5 सिंबल और पंचायत समिति के लिए कुछ 10 सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है। साथ ही सूत्रों की माने तो राज्य में पंचायत चुनाव में भावी उम्मीदवारों को राहत मिलती दिख रही है। बताया जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में 2-child पॉलिसी लागू नहीं होगी। खबरों की माने तो पंचायत विभाग ने 2-child पॉलिसी को लेकर खंडन किया है। विभाग ने कहा है कि बिहार में मुखिया और सरपंच के चुनाव से पहले 2-child पॉलिसी को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विभाग ने यह भी कहा है कि इस पर अंतिम फैसला आयोग करेगी। यानी कहें तो इस बार पंचायत चुनाव का बिहार में रूप बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।